नमस्ते पितृ, अगर आप पर कृपा करें तो सुख संपत्ति घर आएगी ही। घर खुशियों और संपन्नता से भरा रहेगा। पितरों को प्रसन्न करने का समय आ गया है। इस बार पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी 20 सितंबर से होगा और अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 6 अक्टूबर तक पितृपक्ष रहेगा। आम बोलचाल की भाषा में पितृपक्ष को ही श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। पहले समझिए श्राद्ध होता क्या है। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो वस्तु उचित काल स्थान पर पितरों के नाम उचित विधि द्वारा ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक दी जाए वो श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध के माध्यम से पितरों को तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है। पिंड रूप में पितरों को दिया गया भोजन श्राद्ध का अहम हिस्सा होता है। मान्यता है कि अगर पितर रुष्ट हो जाए तो मनुष्य के जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पितरों की अशांति के कारण धन हानि संतान पक्ष की समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। संतानहीनता के मामले में भी ज्योतिष शास्त्र पितृ दोष को अवश्य दिखता है। ऐसे लोगों को पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष का भारतीय दर्शन में बड़ा महत्व है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। ज्योतिष भी पितृ दोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक मानता है। मान्यता है कि इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आज़ाद कर देते हैं ताकि वो अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सकें। इस पक्ष में सभी पितर पितृ पृथ्वी लोक पर आकर अपने सगे संबंधियों के यहाँ बिना आह्वान किए पहुँचते हैं और अपने सगे संबंधियों के द्वारा दिए जाने वाले प्रसाद से तृप्त होकर अनेकानेक आशीर्वाद देते फिर वापस अपने लोक में चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप श्राद्धकर्ता को अनेक सुखों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितृ संबंधित कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध में तिल चावल जौ आदि अधिक महत्व दिया जाता है। साथ ही पुराणों में इस बात का भी जिक्र है कि श्राद्ध का अधिकार केवल योग्य ब्राह्मणों को है। श्राद्ध में तिल और कुशा का सर्वाधिक महत्व होता है। श्राद्ध में पितरों को अर्पित किए जाने वाले भोज्य पदार्थ को पिंड रूप में अर्पित करना चाहिए। श्राद्ध का अधिकार पुत्र भाई प्रपौत्र समेत महिलाओं को भी होता है। कुछ ब्राह्मणों ने इस प्रकार का भ्रम फैलाने की कोशिश की है कि महिलाएँ श्राद्ध नहीं कर सकती, लेकिन ये सर्वदा गलत है। हमारा धर्म स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार देता है। पितृपक्ष पितरों को खुश करने का एक आसान जरिया है। इस दौरान पितृ प्रसन्न हो जाएं तो माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, अन्यथा एक साल तक आपको आर्थिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वैसे भी पितरों का श्राद्ध करना हिंदू धर्म में बहुत जरूरी माना जाता है। माना जाता है कि यदि मनुष्य का विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण ना किया जाए तो उसे इस लोक से यानी मृत्यु लोक से मुक्ति नहीं मिलती, वह प्रेत रूप में इसी संसार में रह जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष के दिन पितर धरती पर रहते हैं और बाद में पितर अपने लोक में लौट जाते हैं। इस दिन का जो लोग लाभ नहीं उठाते उन्हें साल भर पितरों की नाराजगी का सामना करना पड़ता है और कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन सभी मृतकों का श्राद्ध किया जाता है। जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो या जिनकी मृत्यु की तिथि की आपको जानकारी न हो, आप अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन सभी पितर अपने परिजनों के द्वार पर बैठे रहते हैं और जो व्यक्ति अन्न जल प्रदान करता है उसे प्रसन्न हो जाते हैं और खुशी खुशी आशीर्वाद देकर अपने लोग लौट जाते हैं, क्योंकि अमावस्या के बाद पितृ पक्ष समाप्त हो जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौओं का भी बहुत महत्व है। कौओं को पितरों का रूप माना जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध ग्रहण करने के लिए हमारे पितर कौए के रूप धारण करके नियत तिथि पर दोपहर के समय हमारे घर आते हैं और अगर उन्हें श्राद्ध नहीं मिलता तो वो रुष्ट हो जाते हैं। इसी कारण श्राद्ध का प्रथम अंश कौओं को दिया जाता है। श्राद्ध कब और किस तारीख को करें ये बड़ा सवाल है। सरल शब्दों में समझा जाए तो श्राद्ध दिवंगत परिजनों को उनकी मृत्यु की तिथि पर किया जाता है। अगर किसी परिजन की मृत्यु प्रतिपदा को ही हो तो उसका श्राद्ध प्रतिपदा के दिन ही किया जाएगा।
इसी प्रकार अन्य दिनों में भी ऐसा ही किया जाता है। इस विषय में कुछ विशेष मान्यताएं भी हैं। पिता का श्राद्ध अष्टमी के दिन, माता का श्राद्ध नवमी के दिन किया जाता है। जिन पितरों की अकाल मृत्यु हुई हो, यानी किसी दुर्घटना या आत्महत्या के कारण जिनकी मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जाता है। साधु और सन्यासी अगर आपके पितरों में शामिल हैं तो उनका श्राद्ध द्वादशी के दिन किया जाता है। और जिन पितरों के बनने की तिथि आपको याद नहीं है, उनका श्राद्ध आप अमावस्या को भी कर सकते हैं। मान्यता है कि पितरों के असंतुष्ट हो जाने से 7 जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं और देवताओं के क्रोधित हो जाने से 3 जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो अगर देवता और पितर आपसे रुष्ट हो जाएं, तो आपके यज्ञ और पुण्य दोनों धर्मों का नाश हो जाता है। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि पितृगण कहते हैं कि क्या हमारे वंश में ऐसा कोई भाग्यशाली जन्म लेगा जो शीतल जल नदी के जल में हमें जलांजलि देकर दुग्ध मूल फल खाद्यान्न सहित तिल मिश्रित जल से श्राद्ध कर्म करेगा। श्राद्ध की प्रक्रिया पूरा करने के समय को श्राद्ध में कुतकाल कहा जाता है। इस अवधि को प्रायः दिन के 1 बजे से अपराह्न 4 बजे तक माना जाता है। श्राद्ध कर्म करने के लिए सर्वप्रथम अपने घर के द्वार को धोकर लीप कर उसके बाद उसे शुरू करना चाहिए। फिर ब्राह्मण को आमंत्रित करके उसको अपने पुरखों के भाव में स्मरण करके सम्मानपूर्वक भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध के आरंभ और अंत में आप चाहें तो अपने पितरों को याद भी कर सकते हैं। पिंडदान और तर्पण की अगर हम बात करें तो इसके लिए सबसे अच्छी 3 जगह हैं जो भारत में मानी जाती हैं। यहाँ माना जाता है कि अगर यहाँ तर्पण कर लिया तो पूर्वजों को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी। श्राद्ध और पिंडदान के लिए हमारे देश में 3 जगह सबसे उत्तम जन्य हैं। पहला स्थान बिहार के गया में है, जहाँ फल्गु नदी का तट पर अगर आप पिंडदान करते हैं तो पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके अलावा परिजन की मौत के तुरंत बाद भी अगर पिंडदान करने के लिए गया जाया जाए तो मृत आत्मा मृत्युलोक में नहीं भटकती, सीधे वैकुंठ चली जाती है। श्राद्ध और पिंडदान के लिए जो दूसरा सबसे उत्तम स्थान माना जाता है वो उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के किनारे है। उसका तो नाम है ब्रह्म कपाल। ब्रह्म कपाल को श्राद्ध करने के लिए सबसे पवित्र माना गया है। यह जगह बद्रीनाथ के करीब है और कहते हैं कि यहाँ श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण करने से पितृ तृप्त हो जाते हैं, उन्हें स्वर्ग मिलता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पांडवों ने भी युद्ध के पश्चात अपने परिजनों की आत्मा की शांति के लिए यहीं पिंडदान किया था। देश का तीसरा पवित्र स्थान हरिद्वार में नारायणी शिला के पास है। यहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु और महादेव दोनों ही यहाँ निवास करते हैं। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पंचबली की, पितृपक्ष में किस तरह से पंचबली भोग का महत्व है। हाय। अच्छा, मस्ती और मुझसे। कौन कहता है पनीर सीधा साधा होता है? ये ना तो सीधा है ना सादा, चटपटा है। नया मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, स्पाइस इन्फ्यूज पनीर, खाओ कभी भी कहीं भी। मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, पनीर पे अब मस्ती चढ़ गई। एपेक्स बैंक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, समृद्धि आपकी, योजनाएं हमारी। वाहन ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण, भ्रमण ऋण, उच्च शिक्षा ऋण, व्यापारियों को साख सीमा ऋण, त्योहार ऋण, चिकित्सा ऋण परियोजना, उपभोक्ता ऋण, आभूषणों के तारण पर ऋण, अचल संपत्ति के बंधक पर ऋण, क्यों देखें महज सपने, आइए करें उनको साकार। केंद्र, राज्य शासन, शासकीय निगम, मंडल बोर्ड, समस्त सहकारी बैंकों, संस्थानों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए उपरोक्त समस्त ऋण रियायती ब्याज दर मात्र 8% पर ऋण सुविधा उपलब्ध। वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर 1% अधिक ब्याज सुविधा का लाभ लेने के लिए नजदीकी एपेक्स बैंक की शाखा में संपर्क करें। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम बात कर रहे हैं पंचबली की। पितृपक्ष में पंचबली भोग का कर्म हर किसी को अपने पितरों के लिए जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि अगर श्राद्ध के दिनों में पंचबली भोग नहीं लगाया तो
तो पितर नाराज हो जाते हैं, वो भूखे रह जाते हैं। ऐसे में अगर आत्मा भूखी रह जाएगी तो उसको तृप्ति नहीं मिलेगी। मान्यता है कि पंचबली भोग से प्रसन्न हो जाते हैं हमारे पितर और अपने वंशजों को खूब आशीर्वाद देते हैं। अब आइए जानते हैं कि पंचबली भोग आखिर होता क्या है, इसे कैसे करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों के साथ 5 विशेष प्राणियों का श्राद्ध कराए जाने का नियम है। कहते हैं कि अगर पितृपक्ष में इन्हें भोजन कराया जाए तो पितर इनके द्वारा खाए हुए अन्न से तृप्त हो जाते हैं। इनमें वो 5 जीव हैं। सबसे पहले बात करेंगे गौ बलि की। पितृपक्ष में पहला भोग पवित्रता की प्रतीक गौ माता को माना जाता है, तो सबसे पहला भोग आपको गौ माता को कराना है। शास्त्रों में वर्णन है कि पितरों का श्राद्ध करते समय दूसरा भोग कुकुर यानी कुत्ते को खिलाना चाहिए, ये कर्तव्यष्ठा का प्रतीक माना जाता है। पंचबली में तीसरा भोग काग यानी कौआ को लगाया जाता है, इसके अन्न खाने से पितर तृप्त हो जाते हैं। चौथा भोग देवत्व संवर्धक शक्तियों को यानी छोटी कन्या और गाय को भी खिलाया जा सकता है। और पंचबली का 5वां भोग चींटियों को लगाया जाता है, ये चींटियाँ श्रम निष्ठा और सामूहिकता का प्रतीक हैं। इनके द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन भी सीधे पितरों को प्राप्त होता है। श्राद्ध कर्म या तर्पण करते समय किस तरह के बर्तनों का उपयोग करें, अब इस पर चर्चा करेंगे। श्राद्ध कर्म में या तर्पण करते समय हमेशा चांदी के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। पितरों को अर्घ देने के लिए, पिंडदान के लिए और ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए चांदी के बर्तन श्रेष्ठ माने गए हैं। अगर आपके पास चांदी के बर्तन नहीं हैं तो कांसे के बर्तन में भोजन कराएं, और कांसे के भी बर्तन नहीं है तो तांबे के बर्तनों में भी भोजन कराया जा सकता है। अगर ये भी आपके पास ये तीनों बर्तन नहीं हैं तो आप पत्थर पर खाना खिलाएं और श्राद्ध कर्म के लिए अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि श्रद्धा सबसे बड़ी चीज़ है। आपके पितर आपकी श्रद्धा से प्रसन्न होंगे। श्राद्ध कर्म के लिए गाय का दूध और गाय के दूध से बने घी और दही का उपयोग करना चाहिए। पितरों को धूप देते समय व्यक्तियों को जमीन पर नहीं बैठना चाहिए, यानी वो आसन पर जरूर बैठें, उसके बाद पितरों को प्रसन्न करें। आसन के लिए आप रेशमी कंबल, ऊन, लकड़ी या कुश का आसन, कोई भी का आसन उपयोग कर सकते हैं। इस पर बैठकर ही श्राद्ध कर्म करना चाहिए। पितृपक्ष में ब्राह्मण और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराते समय ये कभी नहीं पूछना चाहिए कि भोजन कैसा बना है। ब्राह्मणों को शांति से भोजन कराना चाहिए। मान्यता है कि खाते समय जब ब्राह्मण मौन रहते हैं तब तक पितर देवता भी भोजन ग्रहण करते हैं। श्राद्ध पक्ष में अगर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति दान लेने आपके घर आ जाए तो उसे कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उसको खाना धन अवश्य दें। ब्राह्मण को भी भोजन कराने के बाद धन का दान अवश्य करें, पूरे आदर सम्मान के साथ उसको विदा करें। दूसरी जरूरी बात जो हमें ध्यान रखना चाहिए, पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी और परिवार के जो सभी सदस्य हैं उन्हें बहुत प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि जब आपके पितर आपके घर आएँ तो उन्हें लगे कि उनके घर में बहुत शांति है और लोग प्रेम से रहते हैं। ऐसी स्थिति में ही पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। ये समय पितरों को प्रसन्न करने का और उनकी कृपा प्राप्त करने का है। अगर पितर प्रसन्न है तो समझिए सुख शांति आपके घर आएगी। आज बस इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज। नमस्ते। हाय। अच्छा, मस्ती और मुझसे। कौन कहता है पनीर सीधा साधा होता है? ये ना तो सीधा है ना सादा, चटपटा है। नया मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स स्पाइस इन्फ्यूज पनीर, खाओ कभी भी कहीं भी। मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, पनीर पे अब मस्ती चढ़ गई। एपेक्स बैंक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, समृद्धि आपकी, योजनाएं हमारी। वाहन ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण, भ्रमण ऋण, उच्च शिक्षा ऋण, व्यापारियों को साख सीमा ऋण, त्योहार ऋण, चिकित्सा ऋण, परियोजना उपभोक्ता ऋण, आभूषणों के तारण पर ऋण, अचल संपत्ति के बंधक पर ऋण, क्यों देखें महज सपने, आइए करें उनको साकार। केंद्र, राज्य शासन, शासकीय निगम, मंडल बोर्ड, समस्त सहकारी बैंकों, संस्थानों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए उपरोक्त समस्त ऋण रियायती ब्याज दर मात्र 8% पर ऋण सुविधा उपलब्ध। वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर 1% अधिक ब्याज,
सुविधा का लाभ लेने के लिए नजदीकी एपेक्स बैंक की शाखा में संपर्क करें। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी मेडिकल एग्रीकल्चर साइंस पैरामेडिकल लॉ एंड मेनी मोर विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।